हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आपको सीएचएस में नाम लिखवाने का क्या फ़ायदा है, आखिर क्यों लोग इतना उत्सुक होते हैं नाम लिखवाने के लिए, क्यों लोग इतना मेहनत करते हैं नाम लिखवाने के लिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक मैंने आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए मेहमान जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा वो है ब्रांड नेम ऑफ CHS BHU। ठीक है, आपको जो BHU का टैग मिलता है वो ऐसे, क्योंकि CHS जो है BHU से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, उसके ऐसे ब्रांच कर सकते हैं, तो कहीं आप बताते हो कि आप CHS में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका एक अलग इमेज बनता है, एक अलग सामान बनता है, आप जो उस भीड़ में से है एक आपका अलग इमेज बनता है, आप अपने आप को अच्छा फील करते हो। तो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर पॉइंट, जो आपको काफ़ी काफ़ी कम फीस देनी पड़ती है प्राइवेट स्कूलों में, आपको एक साल का 20-25 हज़ार आपको ये नॉमिनल फ़ी देखनी पड़ती होगी, लेकिन यहाँ क्या केवल आपको लगभग 5,000 रुपये देनी पड़ती है। ठीक है, तो फीस काफ़ी कम देनी पड़ती है। और पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि आपको एक कम फीस में आपको जो है फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड कराती है। प्राइवेट स्कूल हो सकता है कि आपसे 20-25-30 हज़ार रुपया ले लें, लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड ना करा पाए, लेकिन ये जो स्कूल है आपको जो है अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कम फीस में, चाहे वो लैब फैसिलिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट फैसिलिटी हो, चाहे वो अदर फैसिलिटी हो, मतलब सब चीज़ में वो मतलब अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको सब कुछ करने का मौका देता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है गुड स्टडी इन्वायरमेंट, यहाँ आपको जो है पढ़ने का अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ जो बच्चे आ रहते हैं वो कंपटीशन दे के आ रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ ही सिलेक्ट होते हैं, तो सब जो है तो लगभग पढ़ने में तेज होते हैं, तो उसमें आपका जो कंपटीशन होने से और आप भी तो कंपटीशन होने से आपके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है और ज़्यादा आप ग्रो करते हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है मेडिकल फैसिलिटी, ये जो आपको है शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती हो, शायद किसी बड़े बड़े स्कूल में मिलती हो लेकिन और सब जगह नहीं मिलती, यहाँ जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको। ठीक है, आपको स्कूल में एक हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ छोटा मोटा दिक्कत है बुखार सर्दी तो वहाँ दिखा सकते हो, आप कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो आप डायरेक्टली आप BHU में दिखा सकते हो। BHU में अदर लोगों क्या होता है कि भीड़, मतलब BHU में क्या होता है अदर लोगों को प्रोजेक्ट कटाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, लंबी लाइन में 2-4 घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाके उन लोगों का चेकअप होता है, लेकिन आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है इसके जरिए आप डायरेक्ट जाकर दिखा सकते हो, तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है मेडिकल फैसिलिटी का। मतलब आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको चिंता नहीं होनी कि अब मैं बीमार होगा तो मेरा कौन इलाज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, स्कॉलरशिप इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी फॉर प्री फाउंडेशन। ठीक है, जैसे कि आपको अगर यहाँ नाम लिखवाते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, या तो मेडिकल जाना चाहते हैं या तो जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं 9-10 से प्री फाउंडेशन शुरू कर देते हैं, और 11-12 में फाउंडेशन होता है, उसके बाद टारगेट होता है। इन सब चीज़ों को करने के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको काफ़ी स्कॉलरशिप मिल जाती है। कुछ कोचिंग तो ऐसे जो आपको 100% स्कॉलरशिप दे देगा, जैसे L1 कोचिंग हो गया, अगर ये आपको 100% स्कॉलरशिप दे देता है अगर आप अच्छे से नाम लिखा लेते हैं, तो अगर आपका नाम लिखा जाता है तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।